हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्ले स्टोर का ऐप गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है। कोई भी प्ले स्टोर का ऐप्स होता है, हम इंस्टॉल करते हैं तो बाद में अगर वो उसे हम इंस्टॉल कर देते हैं तो दोबारा हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें हमारा डेटा खर्च होता है। लेकिन अगर हम गैलरी में रख लेंगे तो हमारा डेटा खर्च नहीं होगा और हम दोबारा उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर हमें एक ऐप सर्च करना है जिसका नाम है APK एक्सपोर्ट। तो ये रहा वो ऐप जिसका साइज बहुत ही कम है, 1 MB से भी नीचे है। इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। इसका 4.3 रेटिंग है रिव्यूज और 5 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए अब इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सॉर्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। सिस्टम का डाउनलोड करना है, यूजर का डाउनलोड करना है, यह सभी डाउनलोड करना है। तो ये देखिए हमारा यूजर में, तो ये सब हमारा ऐप्स है जिसे हम गैलरी में अगर सेव करना चाहें तो ऐसे करेंगे। जैसे हम IRCTC रियल कॉन्टेक्ट कनेक्ट को हमें गैलरी में सेव करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो चिप का आइकन दिखा रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा गैलरी में चला गया। तो चलिए हम चेक करते हैं कि गैलरी में गया है या नहीं। तो हम अपना फाइल मैनेजर खोलेंगे और देखेंगे, ये देखिए पहले ही दिखा रहा है रीसेंट एप्स में, जो अभी हमने जस्ट नाउ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं तो ये भी गैलरी में ही आया है और यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तो इधर देखिए, हम नीचे जाते हैं, देखिए यहाँ पर अभी जस्ट तुरंत 11:56 में यह हमारे गैलरी में आया है और यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट का होगा। तो चलिए, आप इसका आनंद उठाइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।